दोस्तों साल 2020 में कई टीवी और बॉलीवुड सेलिब्रिटी शादी के बंधन में बंध चुके हैं, जिनमें नेहा कक्कर, पुनीत पाठक, आदित्य नारायण और सना खान जैसे सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल 2021 में आपको टीवी इंडस्ट्री की कई शादियों भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, साल 2021 तक आपके कई पसंदीदा टीवी कलाकार भी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से कपल हैं, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर वन पर नाम आता है सुरभि चांदना और करण शर्मा का। दोस्तों नागिन 5 में बानी का खूबसूरत किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सुरभि चांदना आने वाले साल 2021 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड करण शर्मा से शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। अभिनेत्री सुरभि चांदना लगभग 3 सालों से करण शर्मा के साथ रिलेशनशिप में हैं और दोनों जल्दी ही शादी करने का भी मन बना रहे हैं। नंबर 2 पर नाम आता है अविका गौर और मिलिंद चंदवानी का। दोस्तों बालिका वधु फेम अविका गौर हमेशा अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सभी से छुपाती नजर आई, लेकिन उन्होंने हाल ही में लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर स्प्रिट्सविला की कंटेस्टेंट मिलिंद चंदवानी के साथ अपने लव रिलेशनशिप का खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने मिलिंद के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि एक्ट्रेस जल्दी ही मिलिंद से शादी के बंधन में बंध सकती हैं। नंबर 3 पर नाम आता है मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का। स्टार प्लस के लोकप्रिय शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा और कार्तिक की भूमिका निभाकर मशहूर हुए मोहसिन और शिवांगी जोशी भी जल्दी ही साल 2021 तक शादी करने वाले हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हैं और दोनों एक दूसरे को काफी लंबे वक्त से भी डेट कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने इस लव रिलेशनशिप को शादी का नाम देने का भी फैसला किया है। नंबर 4 पर नाम आता है श्रद्धा आर्या और आलम मक्कर का। सीरियल कुंजली भाग्य में प्रीता अरोड़ा की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री श्रद्धा आर्या भी इन अभिनेत्रियों में से एक है जो साल 2021 तक शादी के बंधन में बंधेंगी। दरअसल उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आलम मक्कर से साल 2018 में सगाई भी कर ली थी और लंबे समय से दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो वहीं अब खबरें हैं कि दोनों साल 2021 तक शादी के बंधन में बंध जाएंगे। नंबर 5 पर नाम आता है पर्ल वीपुरी और हबीबा नवाब का। नागिन 3 से फेमस हुए एक्टर पर्ल वीपुरी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल होता है, जो अभिनेत्री हबीबा नवाब से शादी करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों ने सीरियल मेरी सासू माँ में एक साथ काम किया था, जहाँ दोनों एक दूसरे के एक बहुत करीब आए और यहीं से दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और अब दोनों साल 2021 में शादी भी करने वाले हैं। नंबर 6 पर नाम आता है सुरभि ज्योति और वरुण तुर्की का। नागिन 3 में नागरानी बेला की भूमिका निभाकर लोगों का दिल जीतने वाले अभिनेत्री सुरभि ज्योति भी अभिनेता वरुण तुर्की से साल 2021 में शादी करने वाले हैं। आपको बता दें कि सीरियल कबूल है में शाद आफ्ताब खान की भूमिका निभाते हुए वरुण तुर्की को देखा गया था और उस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया। तो दोस्तों आपको इन सभी में से किस कपल की शादी का बेसब्र से इंतजार है और किसकी जोड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, आप हमें कमेंट करके उस जोड़ी का नाम जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।